पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है। कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम लगाते हैं, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। वो कापली बनाएंगे तो उसमें छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले। विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके, कॉपी कर करके, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है, और इसलिए समाज है सच, ये हम सबको सोच रहा होगा। दूसरा, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उसमें छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। दूसरा, ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई इनको एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एकाध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा।